अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में त्रिपुरा ऑयल टैंकर मजदूर संघ के बैनर तले श्रमिक गुरुवार सुबह से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, चिकित्सा भत्ता, साप्ताहिक छुट्टी समेत पेंशन की मांग में यह हड़ताल की जा रही है। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें वेतन के तौर पर महज 2500 से 3000 रुपए मिलते हैं, वहीं हैंडीमैन को महज 500 रुपए मिलते हैं, जो कि परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है। इससे पहले भी ये श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन संबंधित प्रबंधन से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर इस बार उन्होंने काम बंद रखने का निर्णय लिया है। सही तरह से मजूरी नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है। पहले एक बार हम लोग स्टार्टिंग में 3 घंटा का स्ट्राइक किया था, इसमें कोई आवाज़ नहीं आया, और दो बार हम लोग डेपुटेशन भी दिया है SGM के पास, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया है। असम में NRC का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी NRC की मांग उठाई जा रही है। जनजाति आधारित राजनीतिक पार्टियां खास तौर से ये मांग उठा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बिप्लब देव राज्य में NRC लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं, वहीं गठबंधन पार्टी IPFT त्रिपुरा में NRC जारी करने की मांग कर रही है। INPT भी अब राज्य में NRC चाहती है। It is already decided in our 2 months before Central Committee conference of my INPT party. It is our first of all demand that along with any other state in India, NRC should also be introduced in Tripura. Because it has become the way of the people, those are coming from outside. Then they go to Assam and other places. Assam ke baad NRC ke maang Tripura mein bhi uthi hai. Yahan pe jitne bhi janjatik vitti political partiyan hai, wo maang kar rahe hai, Tripura mein bhi NRC ka implement ho. कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती अगरतला से न्यूज़ एटीन आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए। मिजोरम सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सरकारी अनुदान प्राप्त 9 स्कूल विशेष दर्जा देने की मांग में बीते 18 जून से ही हड़ताल पर थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। ऐसे में मजबूरन एसोसिएशन को अपनी हड़ताल वापस लेनी पड़ी। एसोसिएशन ने सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को भी खोल दिया है। हालांकि एसोसिएशन ने आने वाले दिनों में विशेष दर्जे की अपनी मांग जारी रखने की बात कही है। 41 दिन तक स्कूल बंद रहने से 800 से अधिक छात्र छात्राओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का निर्णय लिया है, जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ने गुरुवार को इम्फाल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। मणिपुर स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ लॉन्च किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से एकीकृत खेती प्रणाली, कृषि प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के विपणन पर जोर दिया गया है। इम्फाल के होटल क्लासिक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव लेथ खोगिन हाउकिन, कृषि निदेशक PH राजेंद्र, उप निदेशक डॉक्टर SR सिंह, NIAM जयपुर और मणिपुर SFAC के परियोजना समन्वयक MS खेडेम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कई उद्यमी, प्रगतिशील किसान और मणिपुर के विभिन्न जिलों के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एवरी ईयर वी आर नियाम इज गिविंग 10 टू 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स for the benefit of the stakeholders of northeastern states basically. So I personally feel that there is a lot of opportunity to do the medicinal and aromatic plants, fruits and vegetables cultivation and primary processing of the fruits and vegetables, so that the longevity of the fruits and vegetables can be enhanced and farmer in turn can get the better benefit from their produce.